महाराज गए राज बचाने की कोशिश, गढ़ी का गढ़ हथियाने की कोशिश, ग्वालियर चंबल में दिलचस्प है जंग, कहीं सीट बचाने तो कहीं कब्जे की कोशिश। नमस्कार, मैं हूं हरीश दिवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। न्यूज स्ट्राइक में चंद ही रोज पहले हमने आपको बताया था कि मालवा निमाड़ की सीटें क्यों महत्वपूर्ण है। 66 सीटों वाले बड़े क्षेत्र के समीकरण समझने के बाद आप समझिए ग्वालियर चंबल की सीटें क्यों दोनों दलों के लिए अहम है। मध्य प्रदेश की सत्ता का बैंक उस हाई सिक्योर्ड लॉकर की तरह है जिसका ताला सिर्फ एक ही चाबी से नहीं खुलता। मालवा में छुपी सत्ता की चाबी मिल भी गई तो ग्वालियर चंबल की चाबी भी चाहिए ही होगी ताकि सत्ता की ताकत को अनलॉक किया जा सके। लेकिन यह मामला मालवा निमाड़ से भी ज्यादा पेचीदा है। मालवा लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन ग्वालियर चंबल के हालात 2020 के बाद बदल चुके हैं। इसलिए इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही नया गणित लगाकर ग्वालियर चंबल पर फतह हासिल करनी होगी। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल की जंग पहले कभी भी इतनी उलझी हुई नहीं थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का हिस्सा थे, उनके रुतबे और साख वाली सीटों पर कांग्रेस की जीत पक्की। लेकिन अब महाराज बीजेपी के हो चुके हैं और कांग्रेस की कोशिश है कि उनके साथ साथ उनका किला भी कहीं बीजेपी के नाम ना हो जाए, साथ ही वो सीटें भी हाथ से ना निकल जाएं जो अब तक हमेशा कांग्रेस की झोली में ही गिरती रही। सिंधिया कांग्रेस में थे तो कभी राघवगढ़ की तरफ रुख नहीं किया, लेकिन अब कांग्रेस के गढ़ियों के पास अपने अपने गढ़ बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। राघवगढ़ ही क्यों, जितनी सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी का लंबे अरसे से खाता नहीं खुलने दिया है, उन सभी सीटों पर भी बीजेपी अलग से नजर जमाई बैठी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ग्वालियर चंबल के लिए खास रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस क्षेत्र की कुछ सीटों पर पर्सनली अमित शाह नजर रख रहे हैं और वही इनके लिए खास रणनीति भी तैयार करेंगे। ये वो सीटें हैं जो लगातार कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, जिन पर ना मोदी की आंधी का असर पड़ा ना इतने साल की बीजेपी की सत्ता का। इसके बावजूद यहाँ कांग्रेस से लोगों ने नाता नहीं तोड़ा, बीजेपी अपनी रणनीति पर फोकस कर रही है तो वहीं कांग्रेस ने भी ग्वालियर चंबल को कम नहीं आंका है। सिंधिया के जाने के बाद यहाँ उनकी ताकत कम हुई है, उसकी भरपाई तेजी से जारी है। दोनों ही पार्टी जानती हैं कि ग्वालियर चंबल में ज्यादा सीटें निकालना बेहद जरूरी है। ग्वालियर चंबल की सीटों ने साल 2018 के चुनाव में भी बीजेपी को गहरा जख्म दिया था। दलितों की नाराजगी के चलते इस अंचल में बीजेपी 34 में से सिर्फ 7 सीटें हासिल कर पाई, जबकि कांग्रेस ने साल 1985 के बाद यहां सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। अब इतने लंबे अंतराल के बाद मिली इस कामयाबी को कांग्रेस किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती। यही वजह है कि सिंधिया की कमी पूरी करने के लिए प्रियंका गांधी ने यहाँ से चुनावी आगाज किया। लहार से विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के लिए कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी छोड़ दी और दिग्विजय सिंह भी इस क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से एक्टिव। चुनौती ना सिर्फ गढ़ बचाने की है बल्कि बीजेपी की माइक्रो प्लानिंग से भी बचना है। देखिए 2013 का चुनाव देखिए, जब चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष सिंधिया जी थे, लेकिन 2018 के चुनाव में जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में आए और प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए, तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ग्वालियर चंबल से जीत मिली थी। तो मध्य प्रदेश में जन जन का विश्वास कमलनाथ जी के चेहरे के साथ है, उनके नेतृत्व के साथ है। और दिग्विजय सिंह जी और जयवर्धन सिंह जी जिस प्रकार से डॉक्टर गोविंद सिंह जी के साथ मिलकर ग्वालियर चंबल में मेहनत कर रहे हैं, तो आप देखिए कि ग्वालियर चंबल से 34 की 34 सीटें जो हैं वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है। जनता जो है वो पूरा देश तो 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन जो ग्वालियर चंबल की जनता है उसे वास्तविक आजादी सिंधिया की गद्दारी के बाद जो है 2020 में मिली है। तो जनता में बहुत उत्साह है और 34 की 34 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। एक बार की चोट खाई बीजेपी भी इस बार ग्वालियर चंबल की अनदेखी को राजी नहीं है। यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया तो एक्टिव है ही, नरेंद्र सिंह तोमर को भी खास जिम्मेदारी सौंपी गई। ग्वालियर चंबल में दलित वोटर्स को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि लाल सिंह आर्य को प्रकोष्ठ का मुखिया बनाया गया है। कोशिश सभी समीकरणों को साधने की है ताकि पिछले चुनाव की भरपाई के साथ साथ नई सीटें भी हासिल की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के आम चुनाव के लिए जिला स्तरीय व्यवस्था करने का काम किया है, जिला स्तरीय पूरा फोकस करने का काम किया है। उसी के तहत ग्वालियर चंबल अंचल में भी हमने
प्रत्येक सीट को फोकस करके और कैसे हम वहाँ से चुनाव जीते इसकी एक लंबी बड़ी व्यूहरचना बनाने का काम किया है। हमारे नेता, हमारे नेतृत्व, ये सब ग्वालियर चंबल अंचल में भी कैसे हम बढ़त ले सकें, इस दिशा में काम कर रहे हैं, उसकी एक व्यापक व्यूहरचना हुई है, एक संगठनात्मक एक प्रक्रिया बनी है और निश्चित तौर पर हम पूरे मध्य प्रदेश में इस बार बहुत अच्छे से चुनाव में लीड करने वाले हैं और ग्वालियर चंबल संभाग में तो भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना के रखेगी। कांग्रेस की कोशिश जहां अपनी पुरानी सीटों को बचाए रखने की है, वहीं कुछ खास सीटों पर बीजेपी ने फोकस बढ़ा लिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि खुद अमित शाह कुछ सीटों पर खास तौर से ध्यान दे रहे हैं। ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी लाख कोशिशों के बावजूद खाता नहीं खोल सकी। इन सीटों में शामिल हैं लहार की सीट, जो बीजेपी 33 सालों से नहीं भेज सकी। कांग्रेस के कद्दावर नेता गोविंद सिंह यहां से लगातार 7 बार जीत चुके। दूसरी सीट है राघवगढ़। ये सीट दिग्विजय सिंह के परिवार की सीट मानी जाती है। 1990 से लगातार यहां से कांग्रेस की ही जीत हो रही है। पहले यहां से लक्ष्मण सिंह जीतते रहे, उसके बाद दिग्विजय सिंह ने 2 बार जीत हासिल की। 2008 में दादा भाई मूल सिंह जीते। 2013 से यहां जयवर्धन सिंह जीतते आ रहे। तीसरी सीट है पिछौर। यहां से लगातार 30 साल से कांग्रेस नेता केपी सिंह का दबदबा कायम। बीजेपी यहां से स्वामी प्रसाद लोधी और प्रीतम लोधी को मैदान में उतार चुकी है, लेकिन हार भी नसीब हुई। चौथी सीट है भितरवार। कांग्रेस के लाखन सिंह यहां मजबूती से जमे हुए हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता अनूप मिश्रा भी उनकी सीट हासिल नहीं कर सके। पांचवी सीट है डबरा, जहां 2008 से कांग्रेस ही काबिज है। 2020 में इमरती देवी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। सिंधिया के सपोर्ट में अधिकांश दलबदलू जीत गए, लेकिन पूरी मेहनत के बावजूद इमरती देवी बीजेपी में अपनी जीत दोहरा नहीं सकी और सीट कांग्रेस के सुरेश राजे के खाते में चली। इन सीटों के अलावा ग्वालियर पूर्व की सीट भी सिकरवार परिवार के हाथ से खींचने की बीजेपी की ख्वाहिश है। इन 5 सीटों पर बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस भी ग्वालियर जिले की सीटों को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। ग्वालियर चंबल दोनों दलों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहाँ के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए। सिंधिया का कहना यह था कि उनकी असर के कारण पिछले चुनाव में कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली थी, भाजपा कमजोर हुई थी। अब सिंधिया भाजपा में चले गए, भाजपा में नरेंद्र सिंह तोमर और दूसरे बड़े बड़े नेता वहाँ हैं, सब मिलकर तो भाजपा ये सोचती है कि हम एक तरफा जीत हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के पास फीडबैक आ रहा है, कांग्रेस के नेताओं से बात करो तो उन्हें लगता है कि सिंधिया जी के जाने से हमें फ़ायदा हुआ है, वहाँ माहौल बदला है, दल बदल के कारण लोग बाग गुस्से में हैं, इस कारण ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है कांग्रेस इस बार भी जीतेगी। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों पार्टियों का पूरा ध्यान चंबल ग्वालियर पर केंद्रित थे। जहाँ तक ग्वालियर की 5 सीटों का सवाल है, अभी कांग्रेस वहाँ भारी है, भाजपा के पास कम सीटें हैं। कांग्रेस में अब भितरघात का खतरा मुझे लग रहा है कम है, भाजपा में भितरघात का खतरा ज़्यादा है क्योंकि जो महल विरोधी हैं भाजपा के अंदर के नेता वो सिंधिया के साथ एडजस्टमेंट कर नहीं पा रहे, तो देखिए क्या होता है। लेकिन लड़ाई अच्छी है चंबल ग्वालियर में। अब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों ही दलों की रणनीति ग्वालियर चंबल में खुलकर सामने। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के बिना कांग्रेस ग्वालियर का किला जीत पाएगी। इस सवाल के जवाब में आपके पास है 3 विकल्प, पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा पतन। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दे सकते हैं। और पिछली बार हमने आपसे पूछा था कि क्या मालवा की 66 सीटें इस बार भी साबित होंगी किंग मेकर। इसके जवाब में 85% लोगों ने कहा हाँ, 11% ने कहा नहीं और 4% लोग बोले पता नहीं। ग्वालियर चंबल की नब्ज को थामना फिलहाल दोनों ही दलों के लिए बहुत आसान नहीं है। दल बदलुओं के चलते यहां असंतोष आसमान पर है, जिसका डर बीजेपी में बना हुआ है और कांग्रेस इस डर को कैश कराने की फिराक में है। ये जीत का शॉर्टकट जरूर हो सकता है, लेकिन ये शॉर्ट शॉट होगा ये नहीं कहा जा सकता। ऐसे में ये अगर कहें कि बाकी 4 अंचलों के मुकाबले ग्वालियर चंबल की जंग सबसे दिलचस्प होगी तो कुछ गलत नहीं होगा। नमस्कार।